दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सरयू घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने की कैबिनेट बैठक। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बहुत ही गहन समस्या है। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, चुनाव जब आए थे पंजाब में तब आपको याद होगा माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है पंजाब में तो वो पराली की समस्या का निदान करेंगे। पराली एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है दिल्ली के वायु प्रदूषण में, लेकिन समस्या का निदान तो छोड़िए, वो तो संवाद के लिए भी तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए आंकड़े, 26 अक्टूबर केवल एक दिन का डेटा अगर आपको दिखाऊं, 360 इंसिडेंट्स हुए हैं पराली बर्निंग के, जिसमें से 360 में वो हुए हैं पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली कब तक टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी, और क्या जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में भी और दिल्ली में है तो ये आपस में ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाते, समन्वय क्यों नहीं बिठाते? मैम फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली है 3 दिन के बाद, उसके बाद छठ पूजा, आस्था का महापर्व है, प्रदूषण को लेकर हालात खराब है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा दिल्ली बीजेपी का? देखिए ये ज्ञापन हम जरूर देना चाहते हैं और हम जनता की पुरजोर आवाज बनकर ये मुद्दा उठाते रहेंगे। दिल्ली अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। आतिशी ने लेटर लिखा है एलजी को कि पटाखे ना फोड़ दे, पटाखों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए प्रदूषण को लेकर। भाई अमोनियम की मात्रा बढ़ी है यमुना में, जिसकी पुष्टि खुद वाइस चेयरमैन जो बने जल बोर्ड के नए विनय मिश्रा उन्होंने कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहाना बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने चिट्ठी तो जरूर लिख दी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कागजी कार्रवाई के अलावा इन्होंने यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? यमुना जी की सफाई में जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, ऐसा लगता है 8,500 रुपए का स्कैम हुआ है यमुना जी की सफाई ना करने में। दिल्ली के प्रदूषण के लिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी तक एक ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया है? दोनों राज्य सरकारों में समन्वय क्यों नहीं बैठ रहा? दिवाली से पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।